नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। रेवाड़ी शहर के निजी होटल में शुक्रवार को हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का गठन कर लिया गया। इसमें एक बार फिर से रामपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया। एक और प्रेस वार्ता में प्रदेश स्तरीय संगठन खड़ा कर सरकार के सामने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखने की बात कही जा रही थी, वहीं दूसरी ओर इसका जवाब भी मिलना जरूरी है कि प्रदेश तो दूर, क्या रेवाड़ी के सभी निजी स्कूल आपके संगठन में शामिल हैं? क्योंकि यूनिटी सबसे पहले घर से शुरू होती है। पदाधिकारियों के मुताबिक रेवाड़ी जिले में करीब 370 निजी स्कूल हैं, जबकि इस संगठन में करीब 200 स्कूल होने का दावा किया जा रहा है। खैर छोड़िए, संगठन की यूनिटी से अभिभावकों व आम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। एसोसिएशन ने प्रदेश भर के अभिभावकों को भी बड़ा झटका देते हुए ऐलान कर दिया कि नए सत्र से 134A के तहत पढ़ रहे बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। संगठन ने जहां कड़ा फरमान जारी कर दिया है, वहीं सरकार को भी चाहिए कि स्कूल के बकाया को तुरंत जारी करे, ताकि शिक्षा के नाम पर गरीबी को मजाक न बनाया जा सके। इस संगठन की ओर से तमाम मांगे सरकार के सामने रखी गई, लेकिन कुछ बुनियादी सवालों के जवाब संगठन की ओर से स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाए। जैसे कि ठंड की छुट्टी के बावजूद स्कूलों में कक्षाएं लग रही हैं, स्कूल वैन में जानवरों की तरह बच्चों को ठूंस दिया जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे अनेक स्कूल हैं जो बच्चों की किताबों से लेकर मोजों तक पर कमीशन की बोली लगाते हैं, यह महज वानगी है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हालांकि कुछ स्कूल संचालक शायद ऐसा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो कर रहे हैं उनको अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए वह किस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, या केवल खरीदार व दुकानदार की भूमिका में हैं। हालांकि जब हमने हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक जवाहर दुहन व प्रदेश अध्यक्ष रामपाल यादव से इस संदर्भ में बात की, तो उन्होंने इसकी निंदा करते हुए इसके खिलाफ मुहिम चलाने की बात भी कही। हालांकि यह देखना होगा कि यह मुहिम कितने सिरे चढ़ पाएगी। अब आपको दिखाते हैं किस किस को क्या जिम्मेदारी मिली और तमाम सवालों के जवाब में पदाधिकारियों ने क्या कहा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आपका, सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं यहां पर। आज हरियाणा प्रदेश के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज प्रदेश की टीम का गठन किया है, और प्रदेश की टीम का गठन करते समय हमने इस बात को ध्यान में रखा है, जो बहुत ऊर्जावान साथी हैं हमारे और जिनकी समाज के अंदर पकड़ है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे साथियों का आज एक प्रदेश लेवल पर जिम्मेदारियां दी है, जिनको बोलिए वो मेरे पास है। आज मेरे साथ हमारे इस हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो मुख्य संरक्षक है आदरणीय श्री जवाहर दुहन जी मेरे साथ बैठे हैं, दूसरे कि सचदेवा जी बाहर हैं, अनिरुद्ध सचदेवा जी हमारे संरक्षक है, प्रदेश के उपाध्यक्ष दूसरे हमारे श्री रणवीर जी मेरे साथ बैठे हैं, चौधरी रणवीर सिंह जी, और श्री लविंदर यादव जी प्रदेश के उपाध्यक्ष मेरे पास बैठे हैं, श्री नवीन सैनी जी हमारे साथ बैठे हैं, प्रदेश के सचिव हैं। ऐसे हमारी पूरी प्रदेश की टीम बनाई है, और सभी जिलों के 11 जिले, 22 जिलों में से हरियाणा के 11 जिलों के जिला प्रभारी भी आज हमने नियुक्त किए हैं, जो जाकर के सभी जिलों में संगठन को मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। और हमारा मकसद संगठन को मजबूत और ताकतवर बनाना, देखिए समाज के अंदर जितने भी संगठन हैं या कोई क्षेत्र है, राजनीतिक दल हैं, हम अपने स्कूलों की सरकार से और प्रशासन से, कई बार सरकारें स्कूलों का गलत इस्तेमाल करती है, कई बार सरकारें नाजायज़ बातों को हमारी पर थोप देती है, तो आज हम सब सरकार से दो तीन मांग भी रखेंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार से, स्कूल बस है, स्कूल बस हार्डली ऐसे स्कूल भी हैं मेरे प्रदेश के अंदर जो 8 से 10 किलोमीटर हार्डली मुश्किल से चलते हैं पर डे 8 से 10 किलोमीटर, और ऐसे भी बसें हैं जो 40 से 50 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। इसलिए सरकार से मांग करना चाहूँगा कि जो भी स्कूल बसें हैं
उनको कॉमर्शियल व्हीकल वाहन न समझ करके स्कूल बस समझें और उनकी लाइफ कम से कम 15 साल करें या उनके 2 लाख किलोमीटर कम से कम, तब उनको सड़क से आउट करें। दो में से सरकार एक मांग माने, या तो हमारी 15 साल करें या 2 लाख किलोमीटर के बाद आउट करें, क्योंकि हमारी 1 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियां नहीं चलती 10 साल में। दूसरा कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार को, सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जो हमारी स्कूल बसें हैं डीजल में थी और उसको हमने CNG में कन्वर्ट करवा दिया, तो उनको 5 साल की इजाज़त दे देनी चाहिए। स्कूल बसें पास करी, डिपार्टमेंट ने पास करी, RTA डिपार्टमेंट ऑफिस ने पास करी, पास करने के बाद CNG में पास करने के बाद उनका परमिट नहीं बना रही। और उस बात को लेकर के सभी मेरे स्कूल साथियों में पूरे प्रदेश में आक्रोश है, सरकार के खिलाफ जो है आक्रोश है। तो सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उन सभी जो 10 साल के डीजल वाहन होंगे उनको 5 साल के लिए CNG में कन्वर्ट करने के लिए इजाज़त दें और उनको पास करें और उनके जो है परमिट भी जारी करें, यह हमारी मांग है। तीसरा है कि भी हमारे जो एडजस्टिंग जो स्कूल थे जितने भी 2007 में समय स्कूलों को, लेकिन DTPO बावड़ है या अन्य और भी पूरे हरियाणा में ऐसे हैं जिनको नोटिस गए हैं स्कूलों को, तो उनको मिनिमम चार्जिंग लेके, डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के और उनको नियमों में ढिलाई दे करके उन सभी स्कूलों को, एडजस्टिंग स्कूलों को जो है NOC जारी करनी चाहिए। और चौथी हमारी है इसी के रिगार्डिंग में कि 2009 से लेकर के 2022 तक पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी स्कूलों ने उन कमज़ोर बच्चों को जो 134 में आते थे, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। वो गरीब बच्चों को हमसे पढ़वाना चाहती है और हमने पढ़ाए बड़े आदर भाव के साथ पढ़ाए, लेकिन हमारा बकाया आज तक जो है बकाया सरकार की तरफ। सरकार को चाहिए कि बिना किसी विलंब के उस राशि को, जो राशि करोड़ों में है, कम से कम भी 400 से 500 करोड़ रुपए हमारे बकाया हैं और वास्तव में हम सब ने मेहनत करी है, जो सरकार ने तय किया था पर स्टूडेंट पर विद्यार्थी, वो सरकार ने तय किया, लेकिन वो हमारा अब तक जारी नहीं हुआ है और उसमें सरकार का ढुलमुल रवैया है। अधिकारी भी कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह कर रहे हैं, अब भाई हमने सबको दे दिए, जबकि पोर्टल पे मंगाते हैं, केवल हमारे से आंकड़े लेते हैं और आंकड़े के बाद उसका रिजल्ट जीरो है, इसलिए दिया जाए। पांचवा है, सरकार से हम चाहेंगे, सारी एसोसिएशन ने आज फैसला किया है, हरियाणा प्रदेश की एसोसिएशन ने, आकर 9th से 12th 134A के तहत नए सेशन से नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी हम नहीं पढ़ाएंगे इस बार, क्योंकि हमें पढ़ाते लगातार होगी, उनके ना हमें कोई भुगतान मिलता है ना सरकार जो उसका मान दे देती, इसलिए नए सेशन से आने वाले 24 और 25 से 134A के तहत 9th से 12th नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल भी, ये हमारा फैसला है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतना चाहूँगा कि इन सब बातों पर वो गौरपूर्वक ध्यानपूर्वक से हमारी बातों को ध्यान में लाएं और सरकार और प्रशासन जो है हमारी बातों को माने, समय रहते अगर नहीं मानते तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं आगे संघर्ष करेंगे और जो भी विरोध हमारा रहेगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। एक सरकार मांग करना चाहूँगा आपके माध्यम से, ताकि RTA ऑफिस है रेवाड़ी का, जो कि रेवाड़ी के अंदर था, आप जब प्रत्येक जिलों में देखोगे जिला मुख्यालयों के ऊपर ज़्यादातर दफ्तर होते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ RTA ऑफिस को जो छूट दी गई, यानी शर्तों में रियायत करें और प्ले स्कूल के जिनके भी सीनियर सेकेंडरी 1st to 12th है, एफिलिएटेड है, उन सबको जो है प्ले स्कूल की मान्यता जारी। सर, जो आपके निजी वाहन हैं स्कूलों के चल रहे हैं उसमें वैन है, बस है, अधिक से अधिक सवारी ज़्यादा बैठा के ले जाते हैं, जो RTO की नियम के धज्जियाँ उड़ाने पे लगे हुए हैं, बस तो पर्सनल किसी की नहीं है, जो आपके स्कूलों की वाहन है उसके बच्चे बहुत अधिक मात्रा बैठाए जाते हैं। हम चाहेंगे कि वो जो लिमिटेड सीट है उतने ही बच्चे बैठाए जाए और स्कूल वाहन होना जरूरी है, पर्सनल वाहन में बच्चे ना लाए।
पर्सनल वाहन नहीं सर, स्कूल वाहन में ही बच्चे अधिक से ज्यादा उसमें बैठाए जा रहे हैं। नहीं हम जो नियमों के धज्जियां उड़ा रहे हो आप। नहीं, एसोसिएशन की तरफ से मैं चाहूंगा मेरे सभी साथी वो जो बच्चों की लिमिट है, जिस वाहन की जितनी लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग लेकर के आए, हमें सहयोग करना चाहिए। और जो बच्चा एक बार एडमिशन लेता है उसकी फीस बार बार आप उस पर लेते हो एसोसिएशन में? नहीं, एडमिशन फीस बार बार नहीं लेते, एडमिशन एक बार हो गया, एनुअल चार्ज जो है वो लेते हैं। फीस भी ली जा रही है सर अधिवेशन, अभिभावकों का कहना है कि जब हम एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बार बार वो फीस जब बच्चा सरकार के जो नॉर्म्स हैं शिक्षा नियमावली के अंतर्गत फर्स्ट क्लास, सिक्स क्लास, नाइन्थ क्लास और इलेवंथ क्लास में एडमिशन फीस लेने का प्रावधान है और उसी उस पर प्रत्येक स्कूल लेता है। और अगर कोई इस प्रकार की सामने आपके आती है तो आप निश्चित रूप से हमारे एसोसिएशन से संपर्क करें और वो विभाग को इस बारे में कंप्लेन करने का भी भाई अधिकारी है। और वही निजी स्कूल के ही टीचर कोचिंग दे रहे हैं उसी स्कूल के बच्चों को जबरदस्ती? नहीं, जबरदस्ती का तो ये मुद्दा ही नहीं है, कुछ लिए आज लिए है जबरदस्ती। अगर जो पढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा जो स्कूल में टीचर है? मैं ये कह रहा हूँ जो आपने स्कूल चला रखे हैं, हाँ जी, वो उसी स्कूल के टीचर है जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हाँ जी, वही आगे कोचिंग दे रहे हैं उनको, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ सर। नहीं देखिए ये ना अलग अलग ट्यूशन और कोचिंग, ट्यूशन और कोचिंग में अंतर है। हमारा जो सबसे बड़ा आज की जो इस मीटिंग का ये विषय भी था कि स्कूल समय में सभी बच्चे 12वीं तक स्कूल अटेंड करें, उसके बाद ये पेरेंट्स की उस पर इच्छा पर है कि वो अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं या वो अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेजते हैं, इसमें आप स्कूल्स पर कोई किसी प्रकार का वो नहीं कर सकते। दूसरा, हमने अलग अलग तरीके के पेरेंट्स देखे हैं, एक पेरेंट्स से जो स्कूल से संतुष्ट है और उतना ही चाहता है, एक पेरेंट्स ऐसा है जो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के उसको स्कूलिंग भी चाहता है, ट्यूशन भी चाहता है, कोचिंग भी चाहता है, तो वो पेरेंट्स टू पेरेंट्स डिपेंड करता है, इसमें स्कूल या एसोसिएशन का कहीं कोई रोल नहीं। नहीं, आप उसके टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे जो ऐसा कर रहे हैं? क्या चीज? जो कोचिंग या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं जो क्या, आप कह रहे हैं? क्या कोई टीचर, अगर आपके पास इस प्रकार की कोई कंप्लेन है कि टीचर ने जबरदस्ती उन बच्चों को ट्यूशन के लिए मजबूर किया है, तो आप निश्चित तौर पर हमें बताइए कि एसोसिएशन कार्रवाई करेगी, विभाग से कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है सर, इस समय सभी स्कूलों आठ, दसवीं और बारहवीं को जिनकी प्रैक्टिकल है सीबीएसई की, उन बच्चों के अलावा तमाम स्कूलों ने नर्सरी से बाकी सभी क्लासेस जो है ऑफ है। फिर पांचवी से लेकर बारहवीं तक क्लासेस लगाई जा रही है? नहीं, वो गलत है, अगर कोई इस प्रकार का लगा रहा तो गलत है, जब छुट्टियां हैं तो छुट्टियां रहनी ही चाहिए, क्योंकि हम सरकार से इच्छा रखते हैं सरकार प्रशासन की हिदायतों का, निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए। देखिए कुछ जगह पे कहीं ना कहीं सरकार और विभाग से भी कमियां रह जाती हैं। अब दसवीं और बारहवीं के प्रैक्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए, विद्यार्थी के लिए, अगर वो उनका छुट्टियों से मैच, या तो सरकार को चाहिए था या विभाग को चाहिए था कि विंटर वैकेशन सरकार से कंफर्म करने के बाद वो डिक्लेयर होती तो सारे स्कूल्स बंद रहते। अब स्कूल में जब प्रैक्टिकल्स हैं तो टीचर भी जाएगा, टीचर जाएगा तो और स्टाफ भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए इस सर्दी में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। जब ट्रांसपोर्ट जाती दिखाई देती है तो बहुत से लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि स्कूल खुला हुआ है, लेकिन दसवीं और बारहवीं के प्रैक्टिकल भी बहुत अहम है। प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि बच्चे टेंशन से ना लें यार, ये तो कहीं ना कहीं विभाग और सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं है, इस कारण से भी ऐसा शायद आप लोग भी सोच रहे हो और लोग भी सोचने पे मजबूर होते हो। डी साहब को भी अवगत कराया गया था, जो भी खामियां हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हम ये चाहते हैं कि सबको शिक्षा मिले, समाज शिक्षा के माध्यम से ऊपर जाए, बुराइयां खत्म हो, चाहे वो हम में है, चाहे पेरेंट्स में है, चाहे सरकार में है, चाहे विभाग में है। हमने ऐसा अपना एक कार्यक्रम बनाया है कि यदि कोई स्कूल भी गलत उन नियमों के विरुद्ध चलेगा तो हम उन स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विभाग को अप्रोच करेंगे। तो इसमें कभी अगर आप लोगों को भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट मिलती है तो निश्चित तौर पे आप हमसे संपर्क कीजिएगा,
हम स्वयं विभाग, हाँ नोटिस में डाली, विभाग से मिलकर उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। गलत करने का किसी को अधिकार नहीं है। और जहां तक बच्चे की शिक्षा का सवाल है, अगर शिक्षा के मामले में कोई चीज गलत होती है तो हम एसोसिएशन हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसके फेवर में बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। 134 की फीस जमा करवाती है सरकार तो पढ़ाएंगे। सरकार ने तो उस चीज को तो समाप्त कर दिया। अगर आपकी जानकारी के लिए बताएं, सरकार काम करती है तो हम पढ़ाएंगे। सरकार अभी चिराग योजना लेके आई, उसके अंतर्गत स्कूलों, चूंकि मंत्री जब से सरकार ने लागू की थी वो योजना। नहीं, आप जो फीस मांग रहे हैं ना, जो पीछे की फीस मांग रहे हैं, जो पीछे से एडमिशन हुए हैं, 12वीं तक तो बच्चा पढ़ेगा ही ना। दूसरी क्लास में एडमिशन हुआ 134 के तहत, तो चिराई वो योजना खत्म होने से वो खत्म तो नहीं होती। आपकी मांग तो यही ना, फीस नहीं दी जा रही सरकार वो द्वारा। हमने जो बच्चे पढ़ाए थे वो आप 134 के अंतर्गत दाखिले नहीं हो रहे। नहीं, दाखिले नहीं हो रहे, पीछे से चलते तो आ रहे हैं। हाँ, वो जो दाखिले चलते हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को, तो उनकी फीस नहीं दे रहे। आप कह रहे फीस नहीं दे रही सरकार, नहीं दे रही पेंडिंग पड़ी सरकार पेंडिंग जो पूरी। ऐसा लगता है कि अधिकारी या विभाग नहीं, सरकार को सही रहा। सरकार अगर फीस पे कर देती है तो पढ़ाएंगे उन बच्चों को? नहीं पढ़ा रहे, उनको अभी भी पढ़ा रहे। नहीं दे रही सरकार तब भी पढ़ा रहे। आगे के लिए ये तो जो सर कहना चाह रहे थे वो ये विषय था कि नौवीं और बारहवीं के जो बच्चे हैं और जो प्रमोट होके नौवीं दसवीं में गए हैं, उसका सरकार कुछ नहीं देती है, तो सरकार उसका भी देना शुरू करे। हम पढ़ाई जारी रखेंगे बच्चों, निश्चित रूप से।